दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गांव में जो मैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे द्वारा बोला गया था दोस्तों कि आपका CBT 1 का आंसर की वो 16 तारीख को दोस्तों यहां पर ओपन हो जाएगा और दोस्तों उसकी लिंक भी यहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर कॉलम में यहाँ पर RRB इलाहाबाद की वेबसाइट पर दोस्तों बताया गया है, ये देखिए इसे बताया गया है यहाँ पर आज 13 तारीख की अपडेट है, 14 तारीख की अपडेट है यहाँ पर। नोटिस ऑन ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर CBT 1 अंडर CA नंबर 1 2019 NTPC, ठीक है। और दोस्तों एक नोटिस और यहाँ डाला गया है, देखिए इसमें बताया गया है कि नोटिस ऑन रिफंड ऑफ एग्जाम फी लिंक ऑफ रिट्राइव रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव द अटेंड CBT 1 CA नंबर 2019, ठीक है, ये भी यहाँ पर आया है। दोस्तों आपके लिए जो मैं आपको बता दूँ, देखिए इसको हम क्लिक करते हैं ऑब्जेक्शन वाले को, तो यहाँ पर एक लिंक डाला गया है रेलवे के द्वारा। हालांकि दोस्तों ये लिंक है अभी काम यहाँ पर नहीं कर रही है, आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो दोस्तों लिंक है वो नॉट एक्टिव बता रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, देखिए यहाँ बताया गया है यहाँ पर नॉट एक्टिव यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ बता रहा है ये क्लिक हियर टू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स की एंड राइजिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ द CBT 1 एग्जामिनेशन अंडर CA नंबर 1 NTPC, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए तो यहाँ पर एक नया लिंक यहाँ पर ओपन होगा। अब दोस्तों ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख आप खुद देख लीजिए। इसे बताया गया है कि जो दोस्तों यहाँ पर आपका 16 तारीख को यहाँ पर आपका वो शुरू होने वाला है ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, यह बताया गया है टू द लॉगर फ्रॉम विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 16/8/2021 से 20 आवर से 00 मिनट से 23/8/2021 23 आवर और 55 मिनट तक बताया गया है, ठीक है। हालांकि दोस्तों ये आपकी प्रक्रिया है पूरी अपलोड कर दी गई है NTPC आंसर की, लेकिन दोस्तों अभी ये वर्किंग नहीं कर रही है। जैसे ही दोस्तों ये वर्किंग करने लगेगी जब आपको यहाँ पर 16/8/2021 जैसे ही 20 बजेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों इसका। मैं आपको बता दूँ मैंने ये अपडेट दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी 16 तारीख को यहाँ पर आंसर की ओपन होने लगेगी, ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।